आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आएंगी माता रानी। हो सकती है ये प्राकृतिक आपदाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। वर्ष में चार नवरात्रि पड़ती है, इनमें दो प्रत्यक्ष या प्रकट और दो गुप्त नवरात्रि होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौमी तिथि तक चलने वाली नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 6 जुलाई 2024 से हो रही है और समापन सोमवार 15 जुलाई 2024 को होगा। वहीं चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ने से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 9 दिन न होकर 10 दिन तक होगी। हर साल नवरात्रि में माता रानी का आगमन और प्रस्थान विशेष वाहन के साथ होता है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी। आइए जानते हैं घोड़े पर माता रानी का आना कैसा संकेत है। यदि शनिवार के दिन हो तो माता का वाहन घोड़ा होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घोड़े पर माता रानी का आना अशुभ माना जाता है। ये देश के लिए हानि, अनहोनी, तबाही और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। बता दें कि गुप्त नवरात्रि में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिंदमस्तिका, ध्रुमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला 10 महाविद्याओं की। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में 10 विद्याओं की साधना गुप्त रूप से की जाती है। इस नवरात्रि में तंत्र साधना का भी महत्व है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, तंत्र साधना आदि के लिए गुप्त नवरात्रि महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये गुप्त नवरात्रि वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।